मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं 14 साल का हूँ, मैं उकाड़ा से आया हूँ। मुझे चोट लगी थी और दर्द होती थी पहले पहले, फिर टांग टूट गई, हड्डी टूट गई। हम फैसलाबाद चले गए, फैसलाबाद वालों ने रिपोर्ट करवाई भाई से, और फिर रिपोर्ट में आया कैंसर हो गया बच्चे को। हमारी गली का एक डॉक्टर है, उन लोगों ने फिर कहा इसका शौक खान में इलाज होगा। हमने फिर इधर आ गए और फिर मैं इलाज हो रहा है हमारा, और मैं ठीक होके मैं फौजी बनूंगा। मैं शौक खान के लिए बहुत दुआएं देता हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसान के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करती हैं। आज से 3-4 दहाइयों कबल तक इंतहाई मौलिक समझे जाने वाले अमराज कमोबेश नाकाबले इलाज थे। हर शख्स ऐसे अमराज के इलाज की सकत नहीं रखता था। ऐसे ही एक मौलिक मर्ज में पाकिस्तान के साबिक वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेट कप्तान और कौमी हीरो इमरान खान की वालदा शौकत खानम भी मुब्तला हुई। वो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से लड़ते हुए जिस कर्ब और अजियत से दो चार हुई, उस तकलीफ दे तजर्बे से गुजरने के बाद इमरान खान ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसके बाद किसी को इस महंगे और ला इलाज मर्ज के बायस अपनी माँ जैसी हस्ती खोनी ना पड़े। ये कोई आसान हदफ नहीं था, इसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत करना पड़ी। अपने बल पर उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से फंड्स इकट्ठे किए और इस ख्वाब को ताबीर देने में कामयाब हुए, जिसने बहुत से ख्वाबों को टूटने से बचाया। आज शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर दुनिया के सफे अव्वल के हस्पतालों में शुमार किया जाता है। इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, जदीद तरीन सहूलियात, इंतहाई मुनज्जम तरीक़ाकार और तशखीस व इलाज की मयारी सहूलियात इसे दुनिया के बेहतरीन कैंसर केयर हस्पतालों में शुमार करने का बायस है। ये वाहिद ऐसा हस्पताल है जहां पर बिला तफरीक कैंसर के मरीजों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। 80% मरीज ऐसे हैं जो इस मूजी मर्ज का मुकाबला करने या उसके अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। ऐसे मरीजों का उनकी इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर बेहतरीन इलाज किया जाता है। यही वजह है कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल मायूस मरीजों के लिए जिंदगी की नवीद बन चुका है। शौकत खानम का मिशन बड़ा वाजह है जी,
पहला उसका जुज जो है वो ये है कि शौकत खानम एक मॉडल इंस्टीट्यूट है। मॉडल से मुराद ये है कि एक ऐसा इदारा है जो हम समझते हैं कि जिसको कॉपी किया जा सकता है, जिसकी नकल की जा सकती है, जिसमें से अच्छी चीज़ें जो हैं उनको अपनाया जा सकता है। दूसरा जो जुज है वो ये कि ये कैंसर और उसके मॉडर्न इलाज से मुतालिक है, तो वो भी वो तमाम चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन हो सकें वो तरीका इलाज या तशखीस वो यहाँ इस्तेमाल की जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें उन तमाम लोगों को रसाई हासिल होने की ज़रूरत है या हमें उसको मुमकिन बनाने की ज़रूरत है जो ख़ुद से अपना कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, इन अदर वर्ड्स जो इस मुल्क के गरीब लोग। और दो और अहम जुज़ हैं, एक तालीम व तदरीस और दूसरा रिसर्च यानी तहकीक। ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि आपको शौकत खानम के मिशन में हमारे काम में इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन, इसकी झलक हर काम में जो हम कर रहे हैं आपको नज़र आएगी। यहाँ कैंसर के इलाज के साथ साथ इस मर्ज की रोकथाम के लिए बनाया गया कैंसर रिसर्च सेंटर भी अपनी मिसाल आप है, जिसमें मालिज हजरात इंसानियत को इस इंतहाई मोहलिक मर्ज से बचाने के लिए जदीद तरीके इलाज की तरबियत के साथ साथ तहकीक में दिन रात कोशा हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडिएशन डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां 5 जदीद तरीन मशीनों से कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर वाके वॉक इन क्लिनिक पर डॉक्टर्स कैंसर के सताए मरीजों का बिला तख्सीस मुआयना करते और उनके इलाज के मुतालिक रहनुमाई फराहम करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही वाके ओपीडी डिपार्टमेंट मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। शौकत खानम की जो सर्विसेज हैं उनका मेन फोकस जो है ना, उनका महवर है कैंसर केयर। आप उस केयर को प्रोवाइड करने के लिए चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी चाहिए हो, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी चाहिए हो। मेडिकल ऑन्कोलॉजी से मुराद ये है कि कैंसर का वो इलाज जो दवाओं के जरिए होता है, गोलियों के इंजेक्शन उसके जरिए, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वो है जहाँ ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है, और रेडिएशन वो होती है जिसमें आप श्वाएँ लगाते हैं। अब हर कैंसर में इन तीन मुख्तलिफ या बल्कि कई दफ़ा इम्यूनोथेरेपी भी होती है, इन तीन मुख्तलिफ या चार मुख्तलिफ जो तरीका इलाज हैं इसका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। किसी कैंसर में एक ज़्यादा मौसर है, किसी में दूसरा है, किसी में दो चीज़ें चलती हैं, किसी में तीन चलती हैं, किसी में चार चलती हैं। तो जो मेन फोकस है शौकत खानम की तमाम सर्विसेज और एक्टिविटीज़ का वो कैंसर के ऊपर फोकस है। अब उसके लिए अगर आपने डायग्नोस्टिक्स अच्छी रखनी है तो वो भी आपने करनी है। अगर आपको इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए, ज़ाहिर है बीमार मरीज़ भी होते हैं, वो भी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर्स चाहिए, ज़ाहिर है अपने ऑपरेशन करना है। तो ये तमाम जो तशखीसी जिसे कहते हैं सहूलियात हैं या जो इलाज के लिए हैं वो सब मौजूद हैं। कैंसर के इलाज के लिए शौकत खानम अस्पताल एक मुस्तनद इदारा बन चुका है, जिसमें क्वालिटी ट्रीटमेंट की फराहमी का एतराफ कई आलमी इदारे कर चुके हैं। शौकत खानम अस्पताल लाहौर पाकिस्तान भर के कैंसर से मुतासिरा मरीजों की वाहिद इलाज का थी।
जहां खैबर से मकरान तक के मरीजों का तांता बंधा रहता था। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और उससे मलहका इलाकों के मरीजों के लिए शौकत खानम हस्पताल पेशावर कायम किया गया। लाहौर और पेशावर के बाद अब शौकत खानम हस्पताल कराची के कयाम की सूरत कैंसर का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हस्पताल बनाया जा रहा है। लेकिन ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी परफेक्ट तकमील और फालियत के लिए हर शख्स को शौकत खानम ट्रस्ट का हाथ बटाना होगा, ताकि इस महंगे तरीन इलाज की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मेरा उन डोनर्स के लिए एक मैसेज है, वो ये है कि आप बड़े कमाल के लोग हैं। आप उनके लिए पैसा देते हैं जिनको आपने देखा ही ना, देखने का आपका चांस। आप किसी और शहर में, किसी और मुल्क में हैं, शहर में भी हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप, आपके पैसे से जो फैज़याब हो रहा है आप उसको देखेंगे भी। तो ये अनजाने इंसान की खिदमत करना, उसकी मदद करना, इससे ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम दो चीज़ें करते रहें तो इंशाल्लाह इस डोनेशन में सपोर्ट में कमी नहीं आए। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, मेयार क्वालिटी, अगर ये बरकरार रखें तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, गरीब मरीज़ की रसाई। ये दो चीज़ें अगर आप पूरी कर लें ना अपने मिशन में से, तो ख़ुद ब खुद इस मुल्क के लोग, पाकिस्तानी जहाँ कहीं बैठे हैं, अंदर मुल्क से बाहर, वो बेदरेग और बड़े फराख दिली से अपनी डोनेशन और ज़कात देते हैं, और ये बड़ी इंस्पिरेशन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सेहत और इलाज मुआलजे की सहूलियात पहले ही नाकाफी हैं, ऐसे में कैंसर जैसे खतरनाक और मोहलिक मर्ज के इलाज के लिए शौकत खानम हस्पताल किसी नेमत से कम नहीं। लेकिन करोड़ों की आबादी के लिए तीन हस्पताल नाकाफी हैं। इसके बावजूद इनकी मौजूदगी भी गनीमत समझते हुए इनकी तरवीज और तरक्की के लिए कौमी फरीजा समझकर हर साहबे इस्तेदाद शख्स को हिस्सा डालना होगा। ताकि ये इदारे मुरझाए हुए चेहरों को जिंदगी की रौनकें लौटा सकें।